कुछ लोग बोलते हैं रेविट को 1 महीने में कंप्लीटली सीखा जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं रेविट को 3 महीने में भी नहीं सीखा जा सकता। हाय एवरीवन, माय नेम इज मिराज और आप देख रहे हैं फिजिटल शिक्षक। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल्स, ऐसे ही वीडियोस और छोटे छोटे ब्लॉग्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे रेविट को प्रोफेशनली सीखा और एफिशिएंट तरीके से सीखा। आई एम नॉट श्योर कि ये बेस्ट मेथड है, बट डेफिनेटली ये मेथड ने मेरी हेल्प की और आई होप आपकी भी हेल्प करेगा। तो मुझे स्टार्टिंग से ही मालूम था कि रेविट एक बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है AEC इंडस्ट्री का, तो इसको सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी छोटी मोटी बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने रेविट को सीखने के लिए 3 स्टेप्स में रेविट को डिवाइड कर लिया, बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो अभी इसको एक एक करके सब समझ लेते हैं। तो बेसिक्स का मतलब क्या है, सब कुछ ऊपर ऊपर से जानना है आपको। आपको जानना है कि रेविट होता क्या है, रेविट को यूज़ क्यों करते हैं, बिम क्या होता है और बिम में रेविट कैसे हेल्प कर सकता है आपकी। ये सब सीखने के बाद में आपको रेविट इंटरफेस से स्टार्ट करना है कि रेविट इंटरफेस में किस किस चीज़ का क्या टेक्निकल नाम होता है। फिर उसके बाद में आप फैमिलीज़ के बारे में जान सकते हो कि फैमिलीज़, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फैमिलीज़ समझो कि फैमिलीज़ क्या होती हैं, हायरार्की क्या होता है रेविट में, कैसे फैमिली को डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगरी क्या होती है। इसके बाद आपको कुछ टूल्स के बारे में जानना है, कुछ बेसिक टूल्स के बारे में, जैसे वॉल, डोर, विंडो, फ्लोर, रूफ कैसे लगता है, कि आपको एक सिंपल बॉक्स बनाना, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। एक बार आपको वो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि कैसे आप वॉल को लगाते हो, कैसे फ्लोर को लगाते हो, कैसे रूफ को यूज़ करते हो, एक बार आपने सीख लिया कि कैसे वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको अब सीखना है कि रेंडर कैसे करते हैं। बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, रेविट में रेंडरिंग कैसे करते हैं। क्यों आप बोलोगे ये तो बहुत एडवांस चीज़ है, बट नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा रेंडरिंग सीख लोगे तो आप छोटे छोटे रेंडर करने लगोगे, आप जो भी चीज़ बनाए आपने उसको रेंडर कर लिया, तो उससे आपका पूरे जो रेविट सीखने की जर्नी है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अभी बेसिक में क्या क्या चीज़ें आ गई, रेविट क्यों सीखना है, रेविट होता क्या है, बिम क्या होता है बेसिक सा, और बिम में रेविट को कैसे यूज़ करते हैं, छोटे मोटे टूल्स सीखने हैं और रेंडर सीख लेना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको आ गया, आप रेविट बेसिक यूज़र हो गए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इंटरमीडिएट। अभी आपको हर एक टूल कवर करना है, हर एक टूल आपने जैसे ही कवर कर लिया तो अब आपको फिर वही फर्स्ट स्टेप में जाना है जो बेसिक्स में हमने सीखा था। क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसमें हमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, अभी इसमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक हाउस बनाना है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, जो भी चीज़ आप बना सकते हो वो बनाना है, और उसको दोबारा क्या करना है, रेंडर करना है। गॉट इट? रेंडर जैसे ही कर लिया, फिर क्या हुआ, आपने पूरा बेसिक्स और इंटरमीडिएट कवर कर लिया। बेसिक्स और इंटरमीडिएट कवर करने पे इंटरमीडिएट के लास्ट में क्या करना है आपको, आपने जो भी टूल सीखा है उस टूल से एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट, जितने आप कर सकते हो, जितने प्रोजेक्ट्स आप करोगे। प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई रियल प्रोजेक्ट करो, लोग बोलते हैं इसको लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं होता है, जस्ट एक प्रोजेक्ट होता है। सिंपली आप कुछ भी चीज़ें देखो, अपना घर ही देख लो, अपना घर बना डालो, कुछ भी इमेजिन करके बिल्डिंग बना लो या कुछ भी चीज़ बना लो। बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी टूल आपने सीखा है वो टूल का यूज़ हो जाना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो आपने क्या किया, बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, अब इंटरमीडिएट के आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए। अभी आता है बहुत ही मेन स्टेप, एडवांस स्टेप। एडवांस स्टेप का मतलब ये नहीं होता आपको सब कुछ आ गया रेविट में। रेविट में जो इसके पास में 15 साल का एक्सपीरियंस भी है उसको भी इशू हो जाता है कभी कभी, बिकॉज रेविट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ रेविट की बात नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कितना ध्यान दे रहे हो। रेविट का टूल सिर्फ नहीं सीखना है, रेविट में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इमेजिन करके अगर चीज़ें बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा है वो चीज़ें मैंने देखी थी आज सड़क से आते हुए, तो वो चीज़ मैं रेविट में कैसे बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ है कि रेविट में डिज़ाइन वाली जो चीज़ है वो आपकी सुधरेगी। तो इंटरमीडिएट के बाद और एडवांस से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब आता है थर्ड स्टेप जिसको बोलते हैं एडवांस। तो एडवांस स्टेप में हमें वो चीज़ें करनी है जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स करने में हमारी हेल्प करेगी। आपको रेविट फैमिलीज़ के बारे में जानना है, रेविट फैमिलीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, आपको ये जानना है कि प्रोजेक्ट्स पे, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं, आपको जानना चाहिए कि लिंक कैसे करते हैं किसी फाइल को, किसी फाइल को कैसे इम्पोर्ट करते हैं रेविट के अंदर में, शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर सर्वे पॉइंट क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट क्या होता है,
कैसे किसी फाइल को पर्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है। पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्लीट एलओडी के बारे में जानो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे हम रेविट मॉडल क्रिएट करते हैं, बिम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने सारे टूल्स सीखे, अब आपको सारे टूल्स को और डीपर सीखना है। तो बेसिकली एडवांस स्टेप में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच फॉलो करना है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली काम कर सको। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको दे दिया जाए जो रेविट में मॉडलिंग करनी है तो आप सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। अभी तो ये हो गया कि ये तीन स्टेप्स में आपको क्या करना है। ये तीन स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में एक ही काम बच जाता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी रेविट स्किल उतनी सुधरेगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से प्रोजेक्ट मिले ही, आप सिंपली कोई भी प्रोजेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, किसी का भी कैड उठा सकते हो, पॉइंट क्लाउड उठा सकते हो, या फिर आप कुछ भी चीज़ इमेजिन करके सिंपली बना सकते हो। बस आपको इतना मालूम रहना चाहिए कि किस टूल का कहाँ पे आपको यूज़ करना है रेविट के अंदर में। तो दिस इज़ हाउ आई लर्नड रेविट, और आई होप ये वीडियो के बाद में आप भी इस चीज़ को फॉलो करके रेविट को प्रॉपरली सीख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। और इवन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और इंस्टेंट मैं ट्राई करूँगा कि आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए। और इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं जनरल अपडेट्स डालता रहता हूँ और वहाँ पे सारे कंटेंट्स आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग फिजिकल शिक्षक। थैंक यू।